नमस्कार दोस्तों, क्यूरियस बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम जो नया आईपीओ लॉन्च हुआ है उसके बारे में देखने वाले हैं। मैं जिस आईपीओ की बात कर रहा हूं वो है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी कि आरवीएनएल। अपने इस वीडियो में हम इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू करेंगे कि किस तरीके का कारोबार ये कंपनी करती है, कौन से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, किस तरीके का इसका बिजनेस है, क्या ये कंपनी मुनाफा कमा रही है, इसके पास कौन कौन सी ऑर्डर बुक है, कितने ऑर्डर्स इसके पास अवेलेबल है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और आखिरी में हम इसका ग्रे मार्केट प्राइस भी देखेंगे जिससे हमको एक अंदाजा आ जाता है कि हमको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो हमको इसमें लिस्टिंग गेन होने की कितनी संभावना हो सकती है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं शुरू करूंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज से, जो कि है इसकी टाइमलाइन की आखिरकार आईपीओ कब ओपन होगा। सो आईपीओ जो है आज से ओपन हो चुका है, यानी कि 29 मार्च से ये आईपीओ शुरू हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है इस आईपीओ में अप्लाई करने की वो है 3 अप्रैल की। जब तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अलॉटमेंट के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी 8 अप्रैल तक, और इन केस आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो जो आपका पैसा है आपके अकाउंट में 9 अप्रैल तक रिफंड कर दिया जाएगा, और इसकी जो लिस्टिंग है एक्सचेंज के ऊपर 11 अप्रैल को होगी, यानी कि 11 अप्रैल से इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। चलिए अब मैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स से शुरुआत करूंगा कि आईपीओ का बेसिक इशू साइज क्या है। तो ये जो आईपीओ है 481.5 करोड़ रुपीज का इशू साइज के साथ आया है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का सेट किया गया है, और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो बहुत ही सस्ता रखा गया है, 17 से 19 रुपए के बीच का ही रखा गया है। उसी हिसाब से इसका अगर हम लॉट साइज देखेंगे, यानी कि आपको लॉट्स में जो आईपीओ रहते हैं वो अप्लाई करने होते हैं, तो 780 शेयर्स का एक लॉट रहेगा, और उसको अगर आप प्राइस बैंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको लगभग 14,820 यानी कि 14,820 रुपीज आपको ब्लॉक करने होंगे जब आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे, आपके अकाउंट से इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग है वो दोनों ही एक्सचेंज में होने वाली है, यानी कि एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज में इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, मेरा एक टेलीग्राम में चैनल भी है क्यूरियस बॉक्स के नाम से, आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड डेली इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, और साथ ही साथ इस आईपीओ की जो भी अपडेटेड डिटेल्स रहेगी वो भी अपने उस चैनल में शेयर करूंगा, और आने वाले जो भी आईपीओ रहते हैं मैं उनके बारे में भी डिटेल्स अपने उस चैनल में शेयर करता रहता हूं। तो अगर आपको मेरा वो चैनल ज्वाइन करना है तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करके भी मेरे उस चैनल की जानकारी ले सकते हैं। अब मैं इस आईपीओ के बारे में या इस कंपनी के बारे में और भी ज्यादा जानकारी आपको देता हूं कि किस तरीके के प्रोडक्ट से रिलेटेड या किस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो ये जो कंपनी है 2003 में स्टार्ट हुई थी, जो कि अपनी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, यानी कि रेलवे के अंतर्गत इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। ये जो कंपनी है ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट इसको ओन करती है पूरे ही तरीके से, और ये मणि रत्न कैटेगरी के अंदर ये कंपनी का नाम आता है। इस कंपनी का करंटली ओनरशिप बोले तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास रहता है। ये कंपनी के अगर जो काम है उसके बारे में देखा जाए तो ये कंपनी बेसिकली रेलवे से जुड़े हुए प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए काम करती है, उससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो रहती है उसके लिए काम करती है, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए रहती है, और जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है उसको और ज्यादा मजबूत करने का काम करती है, पोर्ट के साथ कनेक्ट करने का काम करती है, अगर किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा बजट की जरूरत रहती है तो उसको मैनेज करने का काम करती है, और जो प्रोजेक्ट है उनको पूरा कंप्लीट करने से रिलेटेड ये काम कर। दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, आप स्टॉक के द्वारा एक नया ऑफर निकाला गया है जिसमें आप मार्च के बचे हुए 3 दिन में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे आप स्टॉक के द्वारा, तो आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस जो कि होती है 531 रुपए, यानी कि 531 रुपीज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन हो जाएगा। अगर आप अपस्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मेरे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको मेरा जो प्राइम चैनल है क्यूरियस बॉक्स का टेलीग्राम में, उसकी मेंबरशिप फ्री मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। उसकी अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मैसेज करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो और डिटेल में हम देखेंगे तो ये कंपनी जो है रेलवे प्रोजेक्ट्स के डीप में हम जाके देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल
कनेक्टेड ब्रिज, यानी कि जो ब्रिज बनाने का काम है वो हो गया, मेजर ब्रिजेस बनाती हैं, रेलवे के लिए जो वर्कशॉप की जरूरत रहती है वो बनाते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो रेलवे के अंदर चल रहे हैं वो बनाते हैं, रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, यानी कि जिन जगह पे आज भी डीजल और कोयले के इंजन चलते हैं वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम करते हैं, न्यू लाइन कहीं पे बिछानी हो या फिर कहीं पे डबल लाइन बिछानी हो उस तरीके के काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो रहती हैं। अगर हम प्रोजेक्ट समरी के बारे में देखें तो 2019 फरवरी तक इसके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से 172 प्रोजेक्ट दिए गए थे इस कंपनी को, जिसमें से इन्होंने 166 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी इनके पास 6 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि डिलीवर करना बाकी है, और ऐसा माना जा सकता है कि अगर फिर से बीजेपी की गवर्नमेंट आती है जो कि डेवलपमेंट को बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता देती है, तो उस वजह से इस कंपनी के पास और भी ज्यादा प्रोजेक्ट आने की संभावना हो जाएगी। अगर हम ऑर्डर बुक के हिसाब से देखें तो दिसंबर के 2018 के आसपास तक इनके पास जो ऑर्डर बुक थी उसका जो साइज था वो लगभग 77,500 करोड़ के आसपास का है, इनके पास ऑर्डर बुक अवेलेबल थी, ऑर्डर साइज जो थी अवेलेबल थी। ये जो कंपनी है पैसे जो एकत्रित करने का काम है या एक तरीके से पैसे जो कमाती है वो एक तरीके से मैनेजमेंट फीस के द्वारा लेती है, जो कि रेलवे ऑफ मिनिस्ट्री के पास से लेती है, जिसमें किसी भी नेशनल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 10% चार्ज लेते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट को चार्ज कंप्लीट करने के लिए 9.25% लेते हैं, और कोई और अगर प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए 8.5% ये जो है चार्जेस लेते हैं एज अ मैनेजमेंट फीस के द्वारा। चलिए अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात की जाए कि आखिरकार इस कंपनी की मजबूती क्या है या इसका बैकबोन क्या चीज है। तो ये जो है कंसिस्टेंट अपने फाइनेंशियल ट्रैक के लिए कंपनी जानी जाती है, फाइनेंशियल ट्रैक जो है इसका कंसिस्टेंट बना हुआ है। अभी जो है कई कैटेगरी में ये कंपनी काम करती है। सबसे अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये कंपनी आती है तो वो जो भी प्रोजेक्ट देने वाली होंगे वो कोशिश करेंगे कि उनके अंदर में जो कंपनी है उनको ही अपना प्रोजेक्ट दें, तो उस वजह से इनको एक अच्छा बेनिफिट मिलता है। स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन प्रोसेस है, यानी कि इनका अच्छा खासा बना हुआ प्रोसेस है जिसके अंतर्गत ये काम करते हैं, तो इनको ज्यादा प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं होगी जब भी ये किसी भी प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे। और इनके पास जो वर्क फोर्स है, जो भी इनके इंजीनियर्स हैं वो अच्छे से ट्रेंड हैं, तो वो भी इनके लिए एक अच्छा बेनिफिट रहता है कि ये किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमली और अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। अब अगर हम इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें कि आखिरकार जब गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको अपना आईपीओ लाने की क्या जरूरत है, तो इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने इक्विटी शेयर्स को। जैसा कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट करते जा रही है, नए नए सड़क बनाती है, रेलवे का डेवलपमेंट करती है, तो इन सब कामों को करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, और वो पैसा जुटाने के लिए ये डिसइन्वेस्टमेंट का एक तरीका है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा आएगा, वो नई फैसिलिटीज इंडियन कस्टमर्स को ये दे पाएंगे। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये सिर्फ लिस्टिंग का बेनिफिट लेना चाहते हैं जिसकी वजह से उनके पास थोड़ा और ज्यादा पैसा आ सकता है। अब अगर हम इनके फाइनेंशियल्स को देखें कि आखिरकार इस कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके से दिखाई देते हैं, कंपनी किस तरीके से काम करती है, तो मैं पिछले कुछ साल का फाइनेंशियल डेटा आपके सामने लेके आया हूं। 2015 फाइनेंशियल ईयर से लेके अभी तक का 2019 का जो हाफ ईयरली खत्म हुआ है उसका डेटा आपके सामने लेके आए, तो इनका टोटल रेवेन्यू हम देखेंगे तो हर साल ये जो रेवेन्यू है अच्छे से इंक्रीज होता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 15 में लगभग 3,200 करोड़ के आसपास था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18 में ये लगभग 7,800 के आसपास हो चुका था। अगर हाफ ईयरली की बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19 की, तो भी ये लगभग 4,000 करोड़ के आसपास हो चुका है। अगर हम इनकम की बात करेंगे तो उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट हर साल होता आया है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल इस कंपनी के काफी अच्छे रिकॉर्ड काफी अच्छा। नेट मार्जिन की बात करेंगे तो वो इस कंपनी का थोड़ा डिक्रीज होते जा रहा है, लेकिन वो भी हम अच्छा ही बोलेंगे, बहुत खराब नहीं बोल सकते। और अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी का अगर वैल्यूएशन हम देखेंगे, जो कि तीन कैटेगरीज के ऊपर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो अर्निंग पर शेयर यानी कि एक शेयर के पीछे ये कंपनी कितना कमाती है उसकी बात अगर करेंगे तो वो 2.73 निकल के आता है, यानी कि एक शेयर के पीछे ये कंपनी सिर्फ 2.73 रुपए ही कमाती है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग की बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ आया है उससे इनकी जो अर्निंग है उसके हिसाब से बात करेंगे, तो वो जो रेशियो निकल के आता है 6.96 का निकल के आता है, यानी लगभग 7 के आसपास का निकल के आता है। और वहीं अगर हम इनकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करते हैं तो वो 14% के आसपास इनकी रिटर्न ऑन वर्थ निकल के आती है, यानी कि
इन वैल्यूएशंस के हिसाब से देखा जाए तो आईपीओ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इसमें जो पोटेंशियल है हमारा लिस्टिंग डे के दिन मुनाफा होने की संभावना वो थोड़ी कम लग रही है। और अब अगर मैं मोस्ट अवेटेड सवाल की जवाब देने की कोशिश करूं, जो कि है कि ग्रे मार्केट प्राइस कितना होता है, यानी कि लिस्टिंग डे के दिन हमको कितना प्रॉफिट होने की संभावना हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा करंटली इस स्टॉक से रिलेटेड या इस आईपीओ से रिलेटेड ग्रे मार्केट में किसी भी तरीके की एक्टिविटी नहीं चल रही है, यानी कि इसका करंटली ग्रे मार्केट प्राइस जीरो है। तो ये जो आईपीओ है इस बेस पे या तो सेम प्राइस पे ओपन होगा या हो सकता है डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ओपन हो सके। एज अ डिस्क्लोजर बताना चाहूंगा, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में शेयर की है आपके साथ वो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए शेयर की है। मैं किसी को भी इस आईपीओ में पैसा लगाने का सजेशन नहीं दे रहा हूं। इस आईपीओ में दी गई जानकारी के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपको इस आईपीओ से गेन हो सकता है तो आप अपना निवेश इसमें अपने किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कशन करने के बाद कर सकते हैं।